नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सचिन फॉर यू में। जैसे कि ओडिया फिल्म इंडस्ट्री ने सारे जगत में अपने स्ट्रॉन्ग कंटेंट का डंका बजाया है, उसे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप खुद और सारी देश की आवाम इम्प्रेस हुई है। और जिस तरीके से आप सभी ने मेरे रिव्यू वाले वीडियोस पर इतना सपोर्ट किया है और ये गुजारिश की है कि मैं आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा रिव्यू और रिएक्शन वीडियोस बनाऊं, तो आज मैं फिर से ऐसे ही धमाकेदार मूवी के बारे में रिव्यू करने वाला हूं जिसका नाम है माइंड गेम। और जैसे इस मूवी का नाम है वैसे ही ये फिल्म होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ खेलने का काम करने वाली है। और ओडिया इंडस्ट्री की मैं क्या ही तारीफ करूं यार, जो बैक टू बैक हाई लेवल कंटेंट लेकर आ रहे हैं और ट्रू इवेंट्स को हाईलाइट करके देश की जनता को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। ये देखकर यही लगता है कि अब सिर्फ साउथ और बॉलीवुड ही नहीं बल्कि ओडिया इंडस्ट्री किसी से कम नहीं, ये उन्होंने दिखा दिया है। दमन और प्रतीक्षा जैसी आउटस्टैंडिंग मूवीज के बाद अब माइंड गेम, जिसने सबके माइंड को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और ये भी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड मूवी होने वाली है, तो हम सब इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसके कॉन्टेंट के साथ साथ इसमें काम कर रहे इंडस्ट्री के दिग्गज जैसे कि अतुल कुलकर्णी, मनोज मिश्रा, यशपाल शर्मा इस मूवी पर चार चांद लगाने वाले हैं, इसमें कोई दोराय नहीं। इसका ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा और माइंड गेम की टीम ने इसे ऑलरेडी पैन इंडिया घोषित कर दिया है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी कितनी जबरदस्त होने वाली है। बात करें इस मूवी की तो आपको बता दूं कि इस मूवी ने ऑलरेडी अपने आप को इंटरनेशनली प्रूव कर दिया है और इसको नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर राजेश टच रिवर ने बनाया है। इस फिल्म की स्टोरी पटनागर बॉम्ब पार्सल पर बेस्ड है, जिसमें ओडिशा में रह रहे रियल लाइफ कपल सौम्य साहू और रीमा साहू के जीवन पर आधारित है। बात करूँ इसके स्टोरी लाइन की तो होता यह है कि जब इनकी शादी होती है 2018 में, उसके 5 दिन बाद ही उन्हें एक पार्सल मिलता है जिसमें एक बॉम्ब होता है, और जब वो गिफ्ट पार्सल खोलते हैं तो इससे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बॉम्ब ब्लास्ट के इस हादसे से सौम्य साहू और उनकी ग्रैंड मदर काफी गंभीर जख्मी हो जाते हैं और उनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो जाती है। इसमें रीमा साहू भी सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। एक ऐसा कपल जिनका दूर दूर तक कोई दुश्मन नहीं है, फिर भला इनको गिफ्ट पार्सल में कोई बॉम्ब कैसे भेज सकता है। यहीं से इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन पुलिस कातिल को ढूंढने में नाकामयाब होती है। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद एक पुलिस स्टेशन में एसके शर्मा नाम से लेटर डिलीवर होता है। उसमें ये लिखा होता है कि आपसी जलन के चलते ये खून हुआ है और सारा ब्लेम सौम्य साहू के धोखाधड़ी पर डाला जाता है। पुलिस फिर से इस केस की तहकीकात करने में जुट जाती है। ऐसे में जब सौम्य साहू की माता ये लेटर पढ़ती है तो उन्हें उस लेटर में कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उन्होंने गौर किया तो उसमें अंडरटेकिंग का जो फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, ऐसा सेम फ्रेज उनके साथ काम कर रहे कलीग यूज किया करते थे, जिनका नाम है पूंजीलाल महर, जो पहले ज्योति विकास कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, जिन्हें हाल फिलहाल में सौम्य साहू की माता ने रिप्लेस किया था। आखिर पुलिस ने पता लगा लिया कि वो पूंजीलाल महर ही थे जिन्होंने सौम्य साहू के घर वो बॉम्ब पार्सल किया था। तो ये है इस फिल्म की कहानी। ऐसे ये एक सिंपल कहानी के तौर पर लग रही है, लेकिन है नहीं। वो आपसी कॉम्प्लिकेशंस, क्लैशेस, जेलेसी, ऐसे इंटेंस टॉपिक्स इस मूवी में अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। और जिस तरीके से इसका टीजर है, विदाउट डायलॉग कैरेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी बढ़िया है। इससे पता लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कितनी मजेदार होने वाली है, जो आपको पल भर के लिए भी बोर नहीं होने देगी। वेल, आपको माइंड गेम का टीजर कैसा लगा ये कमेंट कर जरूर बताइए, और जिसने भी इसका टीजर नहीं देखा है वो अभी जाकर फटाफट देख लीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।